हेलो सो मैं कंक्लूड पार्टिसिपेटिंग ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जो स्पोर्ट और फिटनेस रिलेटेड है। दोस्तों आज के वीडियो में हम कुछ स्पीड वर्कआउट करेंगे। अगर आपका रनिंग का टाइमिंग अच्छा नहीं आता, अगर आप स्पीड अच्छे से लगा नहीं सकते, अगर आपको स्पीड बढ़ाना है तो आज हम कुछ कौन ड्रिल्स करेंगे जिससे के वजह से आपका स्पीड बहुत बढ़ेगा और आपका अगर टाइमिंग कम होता नहीं तो दोस्तों इस वर्कआउट को आप 100% कीजिए, आपका 100% आपका इम्प्रूव होगा। तो वर्कआउट किस तरह से कर रहे हैं अच्छे से देखना और अच्छे से एग्जस्ट करना, तभी आपको फर्क पड़ेगा। तो हम किस तरह से कौन ड्रिल्स कर रहे हैं आप अच्छे से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंगल लेग हॉप लगानी है। चलो इस तरह से हमें सिंगल लेग हॉप लगाना है। और दोस्तों ध्यान में रखना है, यहाँ पर इस एक्सरसाइज को करते वक्त आपका जो नी है उसको आपको उठा के आगे तरफ डालना है। यहाँ पर देखो, उसके बाद नेक्स्ट लेग इस तरह से अल्टरनेट एक्सरसाइज आपको करना है। दोस्तों इस तरह से आपको दोनों लेग पर वर्कआउट करना है। अगर आपके पास कोन नहीं है तो आप विदाउट कोन भी इस तरह से आप वर्कआउट कर सकते हैं। आपको नी देखो इस तरह से आपको ऊपर उठाना है और फिर इसके बाद आपको इस तरह हॉप लगानी है और इस वर्कआउट से आपका स्पीड 100% बढ़ेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्कआउट, यहाँ पर हम लैटरल रन करेंगे। हमें कोन के बीच लैटरल रन करना है और हर एक एक्सरसाइज के आपको 2 या 3 सेट लगाने हैं, तभी आपका स्पीड बढ़ेगा। और एक्सरसाइज दोस्तों यहाँ पर आपको स्पीड से ही करना है। फिर नेक्स्ट वर्कआउट, यहाँ पर हम एंकल बाउंस करेंगे। हमें कोन के ऊपर से इस तरह से जंप लगानी है। आपको नी को थोड़ा बेंड करना है और इस तरह से आपको क्विक इस तरह से जंप लगाना है। ये दोस्तों स्पीड के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, इससे आपका स्पीड बहुत बढ़ेगा। और इस सभी एक्सरसाइज के आपके आपको 2 या 3 सेट लगाने ही लगाने हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्कआउट, इस तरह से हमें कोन के ऊपर से इधर जंप लगानी है और फिर एक साइड पर, फिर उसके बाद सामने, फिर अंदर, फिर ऊपर से, इस तरह से आपको जंप लगानी है। और आप ध्यान से देखना तभी आपको समझ में आएगा। और इस सभी वर्कआउट के आपको 2 या 3 सेट लगाने ही लगाने हैं। फिर नेक्स्ट वर्कआउट, यहाँ पर हम लैटरल जंप करेंगे। हमें इस तरह से लैटरल जंप करना है, फिर एक साइड होने के बाद फिर दूसरी साइड, इस तरह से वर्कआउट करना है। ये वर्कआउट सबसे बेस्ट एक्सरसाइज दोस्तों, इससे आपका स्पीड जरूर बढ़ेगा। आपको इस वर्कआउट को हफ्ते में 2 या 3 बार करना ही करना है। और आप अच्छे से एक्सरसाइज देख लो, अच्छे से करना, तभी आपको फर्क पड़ेगा। फिर यहाँ पर इस तरह से जंप, कोन के ऊपर से जंप लगानी, फिर साइड पर, फिर अंदर, फिर ऊपर से, इस तरह से वर्कआउट करना है। फिर यहाँ पर हम लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर हमें कोन पर कोन रखना है, इस तरह से आपको जंप लगानी है। आपको सिर्फ टो पर इस तरह से जंप लगानी, नेक को उठाना है और इस तरह से जंप लगानी है। इसके आपको 4 या 5 सेट लगाना है। तो बेस्ट एक्सरसाइज है स्पीड बनाने के लिए। इससे आपकी कोर स्ट्रेंथ भी बढ़ती है